الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास में हमने पढ़ा मक्की और मदनी में फ़र्क और मक्की सूरतों की खसूसियात और मदनी सूरतों की खसूसियात। कोई समरी चैट में मेंशन करेगा ताकि जो लोग न्यू हैं या कल लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए यानी रिवाइज रिवीजन हो जाए या उनको पता चल जाए। मैंने चैट पब्लिक खोल दिए जी। मक्की सूरतों की खसूसियात लिखे भाई। मक्की कौन सी होती है? मक्की सूरतें वो होती हैं कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। और मक्की सूरतों की फिर कुछ खसूसियात हैं कि आप कैसे उनको पहचान सकते हैं, उनकी कुछ अलामात हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, और मदनी का हमने पढ़ा। तो कोई यहाँ पर वो बयान कर दे पॉइंट्स तो जी। जजाकल्ला इन्होंने कर दी, ठीक है। तो ये मक्की मदनी की कुछ खसूसियात हैं, तो वो आप लोग अपनी चैट से भी आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी कुछ अब आज नोट कर लीजिए कि कुछ जो वो सूरतें जिन पे वो सूरतें जिन पे जिनके मक्की होने पे इत्तेफाक है, मदनी होने पर मुफस्सरीन का इत्तेफाक है। 20 सूरतें। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था कि सूरत में जो हम मक्की मदनी का हुक्म लगाते हैं या क्लासिफाई करते हैं वो उसके मेजर पार्ट के हवाले से करते हैं, मेजर के एतबार से करते हैं। टोटल सूरत मक्की या मदनी जरूरी नहीं है कि हो। मेजर पार्ट मक्की होगा तो वो भी मक्की हो कहलाएगी, मेजर पार्ट मदनी होगा तो वो भी मदनी कहलाएगी। अब 20 ऐसी मदनी सूरतें जिनके 20 ऐसी सूरतें हैं जिनके मदनी होने पर उलमा का इत्तेफाक है, ठीक। मसलन नंबर 1 सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह निसा, मायदा, अनफाल, तौबा, नूर, अहजाब, ये और भी हैं, बस ये कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनका खास उनका मदनी होने पे उलमा का इत्तेफाक है कि ये 100% मदनी है। इसी तरह कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनके मक्की या मदनी होने में इख्तलाफ है, सही, जिनके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है। फॉर एग्जाम्पल इनकी भी 5-6 टाइप्स लिख लें, फिर इंशाल्लाह जब आखिर में आपसे मैं नोट्स शेयर करूंगा तो आप फिर उसमें से देख लीजिएगा। बस कम से कम ये बात समझे कि कुछ सूरतें ऐसी जिनके मदनी होने पर इत्तेफाक है। इत्तेफाक मीन्स अग्रीड अपॉन, कंसेंसस है सबका, सबने अग्री किया तो भाई ये मदनी है, किसी आलम ने उसमें इख्तलाफ नहीं किया। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके मक्की मदनी होने में इख्तलाफ है, जैसे एक तो सूरह हज मैंने आपको पहले बताई थी, उसके अलावा भी 4-5 मिसालें लिख लें जी। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? तो लिख लें सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, सूरे फातिहा के बारे में इख्तिलाफ है कि सूरे फातिहा मक्की है या मदनी है। ये जो सूरत आप हर नमाज में पढ़ते हैं इसी में ही इख्तिलाफ है कि क्या ये मक्की है या मदनी है। बात समझ आ रही है? इसी तरह सूरे अर्राद, सूरे राद,
سوره الرحمن الرحمن علم القران इसी तरह सूरह इखलास सूरह इखलास इसी तरह सूरह फलक और सूरह नास ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इख्तलाफी हैं डिसअग्रीड अपॉन ठीक है कि भाई जिनमें इख्तलाफ हुआ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ क्या मक्की है या मदनी है भाई यही इख्तलाफ है कि हिजरत से पहले नाजिल हुई हिजरत के बाद नाजिल हुई इसका इल्म नहीं हुआ तो इस वजह से इख्तलाफ हो गया ये तकरीबन टोटल 12 का फिगर है किसका 12 ऐसी सूरतें हैं जिनके मक्के मदनी होने में इख्तलाफ है ठीक है अब जरा मैथमेटिक्स वाले नंबर्स वाले तेज लोग आ जाएं सामने जिन सूरतों में इख्तलाफ है कि मक्के हैं मदनी है वो कितनी है 12 जिनके मदनी होने पर इत्तेफाक है वो कितनी है 20 ठीक है तो फिर वो सूरतें जिनके मक्की होने पे इत्तेफाक है वो कितनी होंगी एंटी टू एट 102 जी 82 तो टोटल सूरते 114 हैं टोटल कुरान में जो सूरते हैं वो 114 हैं 114 में से 20 सूरते 100% मदनी है 82 सूरते 100% मक्की हैं पीछे बची 12 उन 12 सूरतों के बारे में इख्तलाफ है कि वो मक्की हैं या मदनी हिजरत से कबल नाजिल हुई या हिजरत के बाद नाजिल हुई बात समझ आ गई चले लिख लें वो 12 के तो पूरा नाम ही लिख लें फातिहा हो गई रात हो गई रहमान हो गई फलक नास इखलास हो गई सूरतु अस्सफ सूरा अस्सफ सूरा अत्तगाबुन सूरा अत्तगाबुन सूरा अत्तगाबुन इख्तलाफ मीन्स इन इंग्लिश डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 12 सूराज इन कुरान विच हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द स्कॉलर्स वेदर इट्स मक्की और मदनी अदर्स आर अग्रीड अपॉन आउट ऑफ 114 सूराज 82 सूराज आर with consensus agreed upon to be makki surahs and 20 surahs are to be madni surahs with consensus and agreement amongst all these scholars ji awaaz sabko aa rahi hai sahi ठीक है फिर मैं बता रहा था वो सूरते कि जिनमें इख्तलाफ है ठीक सूरह मुतफ़फ़ीन सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहू फ़ी लैलतिल कदर सूरह बय्यिना सूरह जिलजाल जिलजाल
ये 12 सूरतें हैं जिनके मक्की मदनी होने में इख्तलाफ है। ठीक है, आज फिर हम दो क्वेश्चंस और पढ़ेंगे, दो क्वेश्चंस और। तेरह हो गई जी, वो सूरह हज भी ऐड हो गई ना, सूरह हज भी ऐड हो गई, तो आप वो इस गिनती में जो 13वीं है, अब उसको या तो किसी ने अपना मक्की में ले लिया या मदनी में ले लिया। अब आपको अगर ये काउंटिंग कहीं आगे पीछे डिफरेंट मिले ना, तो बस आप यही समझ लीजिएगा कि भाई जिन लोगों ने मक्की ज्यादा बयान की है तो उनके नजदीक इनमें से कुछ सूरतें मक्की हैं। ठीक है, जिन्होंने मदनी ज्यादा बयान किए उनके नजदीक इनमें से कुछ सूरतें मदनी है। तो उस नंबर से नहीं घबराइएगा, ये जो नंबर मैंने दिए ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं कि हर कोई यही नंबर आपको देगा, हर किताब में यही नंबर होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ सूरतें कुरान में ऐसी भी हैं, तकरीबन 10 12 13 ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें इख्तलाफ है कि मक्की है या मदनी है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, आवाज आ रही है आपको, क्लियर है? क्लियर है ना जी आवाज? नहीं, डिस्टरबेंस आ रही है क्या उनको? और उनको आपकी आवाज क्लियर आ रही है? उनको आपकी आवाज क्लियर आ रही है? बस खलास, इधर भी क्लियर है। ठीक है, आएंगे आएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा आप भी आहिस्ता बोल रहे, मैं भी आहिस्ता बोल लूंगा इंशाल्लाह जी। अब अगला टॉपिक हमारा है, अगला हमारा टॉपिक है कि सूरत को सूरत लफ्ज क्यों लिखा गया, हम कुरान की सूरतों को, आयतों को सूरत और आयत क्यों कहते हैं? सूरत को सूरत, आयतों को आयतें क्यों कहते हैं? ये भी एक सवाल है ना भाई, हमने क्यों ये इस्तेमाल हुआ? सही, सवाल समझ आ गया सबको? चल देखिए, इसका बहुत सिंपल सा सवाल जवाब है कि कुरान जब अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाया तो उनको अरब के कलाम, अरब की शायरी के मुकाबले में उसके मुताबिक नाजिल फरमाया। ठीक, तो उस टाइम पे अरब लोग अपने कलाम को, अपने मजमुए यानी उस कलेक्शन को अरब लोग दीवान कहा करते थे। ठीक, क्या कहा करते थे? दीवान। दीवान का मतलब जैसे दीवाने मुतनबी है, दीवाने शाफी तो खैर बाद में ही था, और भी उस वक्त के लोगों का था दीवान। ठीक, दीवान कहा करते थे। उर्दू में कोई लिख दे ऑनलाइन दीवान, उर्दू फॉन्ट में या अरबी फॉन्ट में कोई दीवान लिख दे। इसी तरह जो अपने उससे छोटे कलाम को, उससे छोटे कलाम को अरब लोग क्या कसीदा कहा करते थे, क्या कहा करते थे? कसीदा कहा करते थे। तो कुरान ने कसीदों की जगह सूरत का नाम रखा। किसका नाम रखा? सूरत का नाम रखा। सही, इसी तरह अरब अपने और छोटे कलाम को क्या नाम दिया करते थे? बीत, बैत का नाम दिया करते थे जी, बैत, बीत का नाम दिया करते थे। और इसके मुकाबले में कुरान में आयत, आयत रखी गई। कौन सा साल है ये? हाँ, मिस कर रहे हैं ना मुझे, कितने लोग हैं सेकंड में? ठीक है, तो काफिया को
काफिया को, बीत को, सॉरी बीत को वो ये कहा करते थे और काफिया को फासला, काफिया कहा करते थे एंड को, तो कुरान ने उसको फासला करार दिया। ठीक, बीत को आयत, सही। तो अब कभी आपको पता चले भाई सूरत को सूरत क्यों कहा जाता है, आयत को आयत क्यों कहा जाता है, तो उसका जवाब आपको पता चल गया, सही, कि आपकी एक जनरल नॉलेज कुरान के हवाले से जो एक नॉलेज है उसमें आपका इजाफा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आवाज अटक रही है, आपके एंड पे हो रही होगी, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, बाकियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह आवाज सही है। दीवान रिपीट कर दूं, मैं क्या रिपीट करूं दीवान में, अरब अपने जमाने में अपने कलाम को, जो शेर व शायरी होती थी उसके मजमुए को, उसके कलेक्शन को दीवान कहा करते थे। तो कुरान ने अपने कलाम को, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को कुरान कह दिया। ठीक, ये मैं रिपीट करूं, रिपीट की जरूरत नहीं है, ये आपको ऊपर सबने मेंशन कर दिया, आप ये चैट में देख लीजिए कि किसको क्या कहा और किसको क्या समझा। अब नमाज का टाइम हो गया है, नमाज के बाद आके हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, नमाज के बाद हम ये पढ़ेंगे कि सूरतों का नाम क्यों वो रखा जाता है जो सूरतों का नाम है। अभी तो ये हमने पढ़ा ना कि हम एक आयतों के मजमुए को सूरत क्यों कहते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खास सूरत को उनके नाम क्यों दिए जाते हैं और उनके नाम देने की वजह क्या बनती है, किन वजूहात की बिना पर किसी सूरत को नाम दिया जाता है, वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी सूरत को उसका नाम दिया जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। जी चलें जी, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। جی تو سورتوں کا نام, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے سب کو, ایک منٹ چیٹ بند ہے। जी आवाज आ रही है, ठीक है जी, जिनको लो लग रही है वो अपना वॉल्यूम फुल बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा जी, सूरतों का नाम रखने का सबब, मतलब किस वजह से किसी सूरत का नाम वो तय पाता है जो वो होता है, ठीक है। लेकिन ये तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी सूरत को कोई नाम दिया जाता है। नंबर वन, किसी सूरत का कोई इब्तिदाई लफ्ज होता है, इनिशियल आयत या वर्ड होती है जिसकी वजह से उस सूरत को वही नाम दे दिया जाता है। मसलन सूरे त्वाहा, त्वाहा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, त्वाहा से, त्वाहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, ठीक, नंबर वन। नंबर टू, मसलन यासीन, सही, यासीन वल कुरआन अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन, सही।
तो सूरत का जो इब्तदाई नाम होता है, स्टार्टिंग वर्ड होता है, उसकी बिना पर, उसकी जगह पर यानी वही नाम सूरत का रख दिया जाता है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, सूरत के अंदर कोई ऐसा लफ्ज हो, सूरत के अंदर कोई लफ्ज होता है जो किसी अहम वाकये की तरफ इशारा कर रहा होता है। सूरत के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज होता है जो कोई स्पेसिफिक इवेंट या वाकये की तरफ इशारा कर रहा होता है, उसकी वजह से भी सूरत का नाम वो पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरह बकरा, सूरह बकरा के अंदर बकरा का जिक्र है। बकरा क्या होती है? बकरा गाय को बोलते हैं, तो उसके अंदर गाय का जिक्र है, बकरा का जिक्र है, इस वजह से उस सूरत का नाम बकरा बन गया। इसी तरह सूरह आले इमरान भी है और कई सारी, सूरह फील है, बिल्कुल बहुत सी इसकी मिसालें। और नंबर तीन, सूरत के मौजू को देखते हुए उसका नाम रख दिया जाता है। सूरत का कोई मौजू होता है, कोई टॉपिक होता है, जिस टॉपिक में वो सूरत होती है, उस टॉपिक को देखते हुए उस सूरत का नाम वही पड़ जाता है जो वो सूरत होती है। अच्छा जी, मुझे कोई कह रहा है कि जी आपने पेज 50 और 51 कंप्लीट नहीं किया, आपने शायद किताब वो देख ली जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें स्किप कर देता हूँ, जो चीज़ें ना समझ में आने वाली हों या जो नॉट इम्पॉर्टेंट हों वो स्किप कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से भी बताता हूँ। सही, तो अब शायद समझ आ गया हो कि मैं किताब का नाम फिलहाल क्यों नहीं बता रहा। मैं बताऊंगा तो उससे कन्फ्यूजन्स पैदा होती है। ठीक, चले। तीनों आपको पता चल गई। पॉइंट नंबर वन, उसका पहला लफ्ज जिसकी बुनियाद पे सूरत का नाम रखा जाता है, सूरह ताहा, सूरह यासीन की तरह। नंबर टू, कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई ऐसा लफ्ज सूरत के बीच में होता है जो किसी खास वाकये की तरफ इशारा कर रहा होता है, उसकी बुनियाद पर सूरत का नाम रख दिया जाता है। ठीक। और नंबर थ्री, कोई सूरत का मौजू होता है, टॉपिक होता है, उसकी बुनियाद पे सूरत का नाम रख दिया जाता है। मसलन सूरह इखलास। ठीक है जी। अब ये भी कुछ सूरतें देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे पांच छह सूरतें पढ़ लेते हैं कि जिनकी बुनियाद पे सूरत का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये ऊपर समरी लिख दी है, ये पढ़ लीजिए। मैं रिपीट कर दिया एक बार, बल्कि शायद दो दो बार रिपीट कर दिया। कुरान को कैसे और कौन तरतीब दी गई? कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दिया है। कुरान की सूरतों के नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके गए हैं। ठीक, ये जो सूरतों के नाम हैं और ये तरतीब है, ये तौकीफी है। तौकीफी का मतलब है ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, ये खुद से किसी इंसान ने नहीं लिखी है। ठीक, अल्लाह के हुक्म से ही ये तरतीब दी गई है। आइए ये जान लें। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था और हमारे नोट्स में भी आएगा इंशाल्लाह, कि एक सूरत के कई नाम क्यों होते हैं? एक सूरत के कई नाम क्यों होते हैं? जी, ये कह रहे हैं तौफीकी, तौफीकी नहीं, तौकीफी, तौकीफ
सही समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दे। बस इतना समझ लें कि ऐसी चीज जो शरीयत ने बताई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व ताला ने बताई है, ठीक, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, वो भी शरीयत का बताया हुआ कानून है, ठीक है। एक सूरत के कई नाम क्यों होते हैं? एक सूरत के कई नाम क्यों होते हैं? इसकी बड़ी आसान सा सी लॉजिक और जवाब है, वो ये कि जब भी किसी चीज की इज्जत और अहमियत ज्यादा होती है उसके नाम भी ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह सूरतों की भी कुछ इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, उनके नाम भी ज्यादा होते हैं। सही, जैसे मिसाल के तौर पे कोई देगा मिसाल कुरान की सूरतों की बात में, उसके अलावा किसी चीज की अहमियत, इंपॉर्टेंस, अजमत, फजीलत इतनी ज्यादा है कि उसके नाम ज्यादा है, ऐसी क्या चीज है? अल्लाह की। जी बहुत अच्छे, अल्लाह के नाम हैं। तो आप, कोई पूछा आपसे अल्लाह के इतने नाम क्यों हैं, भाई अल्लाह की फजीलत, अल्लाह का की इज्जत, अल्लाह का करम, अल्लाह की किबरियाई इतनी ज्यादा है, अल्लाह की सिफात इतनी ज्यादा है कि उसके नाम भी इतने ज्यादा हैं। अच्छा, आप लोग को पता है अल्लाह के 99 नाम सब लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह के 99 ही नाम है। हाँ जी, अल्लाह के 99 नाम है, नहीं अल्लाह के इससे कई ज्यादा नाम है। सही, कई इनफाइनाइट। हाँ, हमारे एतबार से वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, अल्लाह के एतबार से तो फाइनाइट ही है, या फिर अल्लाह जानता है उन नामों को, हम नहीं जानते। असल बात ये सही लफ्ज है कि वो नाम है जो हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, ठीक। और इसके कुरान सुन्नत में दलाइल भी मौजूद है, 99 से ज्यादा नाम है। उलमा ने सिर्फ कुरान सुन्नत से 110 115 नाम जिक्र किए हैं, ठीक, तो 99 नहीं है, इससे ज्यादा तो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। फिर अल्लाह ने कुछ नाम अपने इल्मे गैब में है, जो हमसे गैब में है, वो छुपा के रखे हैं, ठीक। तो सूरतों में सूरे फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसके कई नाम है, सूरे फातिहा ऐसी सूरत है जिसके कई नाम है। फातिहा का मतलब होता है फातिह, फातिह कहते हैं फतह करने वाला, खोलने वाला, और फातिहा खोलने वाली। तो सूरे फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके तकरीबन 25 के करीब नाम उलमा ने जिक्र किए हैं, 25 नाम एक ही सूरत के, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कुरान और सुन्नत में ही आए हैं ये नाम ना जी। फॉर एग्जाम्पल फातिहा, उम्मुल कुरान, रुकिया, सब अल मसानी, सलात, शिफा, वाफिया, काफिया, शाफिया, कंज, ठीक। ये सारे नाम सूरतुल फातिहा के जिक्र हैं, जो ये भी वो मशहूर मशहूर नाम है, ठीक। और भी कई नाम है, ये तफसीर बेज़ावी एक बड़ी मशहूर तफसीर है, उन्होंने भी तकरीबन 17-18 नाम इसके जिक्र किए हैं सूरतुल फातिहा के। सूरे बकरा का नाम आपको पता है क्यों रखा गया? अभी हमने बता दिया। सूरे आले इमरान, इसमें आले इमरान का जिक्र है, क्या इसमें जकरिया अलैहि सलाम का जिक्र है? इसमें इमरान जो कि मरियम अलैहि सलाम के वालिद हैं उनका जिक्र है। फिर उनके बेटे कौन? ईसा अलैहि सलाम, उनका जिक्र है। तो इसलिए इसका नाम आले इमरान रखा ताकि ये साबित किया जाए कि हजरत ईसा, जनाब ईसा इब्नुल्ला नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम हैं और मरियम बिनते इमरान हैं, ठीक। ये इंसान ही हैं ईसा अलैहिस्सलाम।
इसी तरह सूरह निसा को निसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका टॉपिक निसा है, खवातीन उसका टॉपिक है, खवातीन से रिलेटेड जो अहकाम हैं, मसाइल हैं, मैं आपको मिलेंगे। ठीक, और इसी तरह कई ऐसी सूरतें हैं कि जिनके नामों की वजह कोई ख़ास वजह होती है। ठीक, तो आज हम अपना अपने बात को यहीं ख़त्म करेंगे, अपने चैप्टर को। इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मसानी का क्या मतलब है? बार बार, हाँ, सबउल मसानी, बार बार पढ़ने वाली जाए, पढ़ी जाए चीज। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखेंगे, कुरान में कितनी सूरतें हैं, कितनी आयात हैं, कितने हरूफ हैं। ठीक, फिर कुरान की सूरतें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ये एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे हम। सही, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नासिख और मनसूख, एब्रोगेशन, के कुरान में कोई ऐसा हुक्म या आयत जो बाद में आए और पहला वाला हुक्म या आयत मनसूख हो जाए, एब्रोगेट हो जाए। ठीक, ये सूरह फातिहा के नाम यहाँ लिख दीजिए ऑनलाइन। सर, क्या सूरह का लफ्जी और इस्तलाही माना जानना बेहतर नहीं इस सवाल के जवाब के लेके? बस बहरहाल जो पढ़ाया जा रहा है आप उसी को काफी और शाफी समझिए, इस बहुत डिटेल में पढ़ने को रहती है, बस एक एक, एक फहम अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक जहन में बिठा लीजिए बात। अटेंडेंस हो जाएगी इंशाल्लाह स्टार्ट। ठीक है जी, सुभानक अल्लाह व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।